आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों हम जो नुस्खे बताते हैं वो वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और लोगों से भी इसे सब्सक्राइब कराएं। दोस्तों आज हम एक ऐसा नुस्खा आपको बता रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि आपने अभी तक 3/4 वीडियोस जो देखे होंगे यूट्यूब में वो बादाम को भिगोकर खाने के फायदे बताए गए हैं। लेकिन किन लोगों को ये खाना चाहिए और किन को नहीं खाना चाहिए उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि किन लोगों को बादाम भिगोकर नहीं खाना चाहिए। दोस्तों जंक फूड, तले भुने पदार्थ, बाजार में बिकने वाले तरह तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स के कारण आजकल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या हर आयु वर्ग के लोगों में आम है। कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने से सबसे ज्यादा खतरा हृदय संबंधी रोगों का होता है। ऐसे में व्यायाम और संतुलित आहार के साथ यदि नियमित रूप से बादाम खाने की आदत डाली जाए तो ये सेहतमंद रहेंगे आप और हमेशा बीमारियों से बचे रहेंगे। कौन कौन सी बीमारियों में लाभकारी है जरा देख लेते हैं। बादाम में प्रोटीन, हृदय के लिए जरूरी अच्छी वसा, विटामिन ए, विटामिन ई और डी, राइबोफ्लेविन, फाइबर, कैल्शियम आदि खनिज मौजूद होते हैं। रोजाना बादाम खाने से हृदय से जुड़ी परेशानियां, हाई बीपी, अधिक यूरिक एसिड बनने की समस्या और कई अन्य बीमारियों में फायदा होता है। कई शोधों के अनुसार हार्ट अटैक, कोरोनरी हार्ट डिजीज, धमनियों में ब्लॉकेज जैसे हृदय संबंधी रोगों की आशंका को कम करने के लिए बादाम को सहायक माना गया है। आप सीमित मात्रा में खाएं। कुछ लोगों का कहना है कि मोटे लोगों को बादाम व अन्य ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, उससे उनमें वजन बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है, सीमित मात्रा में इसे कोई भी खा सकता है। सामान्यतः छोटे बच्चों को 5 और किशोरों और वयस्कों को रोजाना 10-12 बादाम अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। मोटापा, किडनी संबंधी समस्या और डायबिटीज के मरीज विशेषज्ञ की सलाह से इनकी मात्रा को डाइट में जरूर शामिल करें। ध्यान रहे, बादाम के छिलके में प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, साथ ही यह विटामिन बी का बेहतर स्रोत है। कुछ लोग इसकी तासीर गर्म मानते हैं और इसे भिगोकर छीलकर खाते हैं, ऐसे में इसका पूरा फायदा नहीं मिलता है। इसलिए आप बादाम को बिना भिगोए खाएं और बिना छीले खाएं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बता सकते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जो आयुर्वेद के अनुसार ठीक हो सकती है तो आप उसको भी लिख सकते हैं, हम उसका उपाय आपको तत्काल बताएंगे। दोस्तों आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।